हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स रिवील। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इफेक्टिव स्किन वाइटनिंग की रेमेडी। इस स्किन वाइटनिंग रेमेडी के साथ साथ आप इसे डार्क स्पॉट रिमूवल, पिगमेंटेशन रिमूवल और बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम रिमूवल रेमेडी भी कह सकते हैं। तो ये ऑल इन वन रेमेडी है और बहुत ही ईजी और इफेक्टिव है। इस रेमेडी के यूज़ करने से आपके जो डार्क धब्बे होंगे चेहरे पे वो भी चले जाएंगे, पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स वो भी चले जाएंगे। अगर आपको रिंकल्स, फाइन लाइन या फिर एजिंग की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी चली जाएगी बहुत ही आसानी से, और साथ ही साथ हाइपर पिगमेंटेशन को भी ये दूर करेगी। और ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ ये आपके कलर को फेयर करेगी और आपके स्किन टोन को इम्प्रूव करेगी। तो आइए देखते हैं कि ऑल इन वन रेमेडी क्या है, पर उससे पहले आप जल्दी से कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और दबा दें बेल आइकन को, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ। तो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और शेयर कर दीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है अनियन। अनियन स्किन बेनिफिट से भरा होता है, जो कि आप में से कई सारे लोग नहीं जानते होंगे कि अनियन के स्किन बेनिफिट्स क्या हैं। अनियन हमारी स्किन से हाइपर पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम्स को रिमूव करता है। किसी भी तरह के दाग धब्बे जो होते हैं हमारे फेस पे या बॉडी के किसी पार्ट में, आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने नकल्स को क्लीन करने के लिए, अपनी डार्क नेक या फिर एल्बोस, इस तरह की जो पिगमेंटेशन हो जाती है उसे रिमूव करने के लिए अनियन बहुत ही इफेक्टिव होता है। साथ ही साथ इसमें स्किन की जो क्लैरिटी होती है उसे बढ़ाने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्किन टेक्सचर को ये इम्प्रूव करता है। तो और साथ साथ ही एजिंग की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में बहुत ही इफेक्टिव है। एजिंग की कोई प्रॉब्लम्स जैसे रिंकल्स, फाइन लाइन, इस तरह की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। साथ ही साथ ये स्किन को टाइट भी करता है, तो अगर आपको लूज स्किन की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ये बहुत ही इफेक्टिव है। तो सबसे पहले हम लोग अनियन का पेस्ट बना लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक अनियन लेंगे और उसे छील लेंगे और अब इसे कट करके ग्राइंडर में डाल देंगे। और अब इसे पीस लेंगे। तो ये अनियन पेस्ट रेडी है, अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और अब ये यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब एक क्लीन बाउल में ऐड कर लेंगे एक चम्मच अनियन का पेस्ट। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है राइस फ्लावर, यानी कि चावल का आटा। तो एक चम्मच चावल का आटा इसमें ऐड कर लें। चावल का आटा बहुत अच्छा स्किन स्क्रबर होता है, बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर होता है, एंटी एजिंग की सारी साइंस को दूर करने में बहुत इफेक्टिव है और स्किन वाइटनिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कोलगेट। इसकी जगह पे आप कोई भी लो फ्लोराइड कंटेंट वाला टूथपेस्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो एक चम्मच इसमें डाल दिया कोलगेट और लास्ट में डाल लेंगे कोकोनट ऑयल। ये भी बहुत अच्छा होता है स्किन वाइटनिंग के लिए और स्किन पे ये एक बहुत ही अच्छा नेचुरल ग्लो लाता है। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ पेस्ट सा फॉर्म कर लेंगे। और फ्रेंड्स, आप इस पेस्ट को बना के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं 7 से 8 दिन के लिए। सेंसिटिव स्किन वाले पहले एक पैच टेस्ट कर लें इसको यूज़ करने से पहले। हो सकता है अनियन थोड़ी हार्श होती है तो उन्हें सूट ना करे, अदरवाइज ये सारे स्किन टाइप को सूट करेगा। तो अब मैं इसको यूज़ करने का मेथड बताती हूँ आपको। इसे अपने क्लीन फेस पे इस तरह से अप्लाई कर लेना है। आप इसे अपने बॉडी के किसी पार्ट की डार्कनेस को दूर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अंडर आर्म्स, नकल्स या फिर एल्बो नीज वगैरह को। और इस तरह से अप्लाई कर लें अपने पूरे फेस पे और इसे लगा रहने दें 1/2 घंटे के लिए। वॉश करने के बाद आपको क्लियर डिफरेंस नज़र आएगा अपनी स्किन क्लैरिटी में और आपको अपनी स्किन टोन भी काफ़ी डिफरेंट नज़र आएगी। तो इस रेमेडी को वीक में 2 से 3 बार ज़रूर यूज़ करें अपनी स्किन को क्लियर करने के लिए और ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए, साथ साथ स्किन वाइटनिंग के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई पॉइंट्स मुझसे मिस हो गए हों तो आप नीचे मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को एंड करने से पहले दे दीजिए एक लाइक और कर दीजिए इस वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। फिर लौटूंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय, टेक केयर।